नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनॉज पे। मार्केट, शेयर मार्केट एक बार फिर से बढ़ गया है, एक बार फिर से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रहा है बहुत सारे शेयर्स में। कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था और वहाँ पे बताया था कि दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ही दिन रुक जाइए, यहाँ पे जो आपको एक बहुत ही जल्दी मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगा। और NMDC को लेके जब वीडियो बनाया था उसमें भी हम लोगों ने डिटेल्स में बताया था कि स्टॉक में आपको एक रिटर्न देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं NMDC का शेयर यहाँ पे तेज़ी बन रहा है। तो दोस्तों हम लोग ऐसे ही कोशिश करते हैं आपके साथ अच्छे वाले स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन हमेशा शेयर किया जाए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अभी दिक्कत ये आता है दोस्तों कि आप लोग जो हमारे YouTube चैनल के वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बहुत जन, तो रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों हमारे YouTube चैनल फिनॉज को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, फिनॉज को ग्रो करने के लिए सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। तो दोस्तों NMDC में 6 महीने के अंदर 7.73% का जो है रिटर्न दिया है NMDC के शेयर ने। अभी NMDC का और NMDC स्टील का जैसे ही अपडेट आया है आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है उसमें खरीदारी करने शुरू कर दिया स्टॉक में NMDC में। तो यहाँ पे 1 मंथ के अंदर स्टॉक में जो रिटर्न देखने को मिला है वो है 2.39% का। ये 1 मंथ के अंदर रिटर्न दिया है, 5 डेज के अंदर स्टॉक में गिरावट बनता हुआ दिखा है 1.96% का, 1.96% का इसने 5 डेज के अंदर गिरावट दिया है। वही बात करते हैं दोस्तों एक दिन में स्टॉक में जो है फिर से 3.45% का तेजी बनाया, तो यहाँ से भी स्टॉक ये रिटर्न दे सकता है। अगर आप NMDC का शेयर खरीदना चाहते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से भी खरीद सकते हैं, यहाँ से भी स्टॉक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो शेयर मार्केट के दोस्तों जो एनालिस्ट है उसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 68% एनालिस्ट कह रहा है कि NMDC के स्टॉक में बाई करके चलिए, होल्ड करने के लिए 26% कह रहा है, सेल करने के लिए 5% कह रहा है। तो शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि NMDC के स्टॉक में बाई करके चल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे NMDC के शेयर में क्यों तेजी बन सकता है, NMDC के स्टॉक में क्यों यहाँ पे एक रिटर्न देखने को मिला है, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले आपके साथ। NMDC के स्टॉक में क्यों रिटर्न देखने को मिला है और NMDC के स्टॉक में यहाँ पे तेजी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल जो NMDC का टारगेट प्राइस दिया था उसको रिवाइज कर दिया है, तो उसके चलते स्टॉक में एक तेजी बन रहा है। NMDC शेयर्स गेन 3.67% टू रुपीज 115.60 अगेंस्ट द प्रीवियस क्लोज ऑफ रुपीज 111.50 ऑन BSE। तो दोस्तों यहाँ पे जो है NMDC के शेयर में एक जबरदस्त तेजी एक ही दिन के अंदर देखने को मिला है। शेयर्स ऑफ NMDC रोज ओवर 3% टूडे आफ्टर द फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल रिएटेड इट्स बाय कॉल फॉर द स्टेट ओन्ड माइनर। तो मोतीलाल ओसवाल ने जो है NMDC में बाय कॉल जैसे ही दिया है उसके बाद स्टॉक में एक तेजी बनता हुआ दिखा है। तो मोतीलाल ओसवाल ने जो बाय कॉल दिया है आप देख सकते हैं उसके पीछे क्या है। NMDC शेयर्स गेन 3.67% रुपीज 115 अगेंस्ट दैट, क्या अभी तो प्राइस हम लोगों ने NMDC का देखा है चल क्या रहा है शेयर के प्राइस में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक जो है लगभग अगर देखेंगे एक साल के अंदर 13.5% का जो है गिरावट दिखाया है एक साल के अंदर। NMDC के शेयर में अगर आप देखते हो दोस्तों अभी जो डिमांड है NMDC के प्रोडक्ट का वो और बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी चाइना में जो है अभी रीओपनिंग शुरू हो चुका है, चाइना में जो अभी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट रीओपन होगा और शेयर बाजार जबरदस्त तेजी दिखाएगा ऐसा लग रहा है। विथ चाइना रीओपनिंग एंड रशिंग टू फिनिश रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स वी एक्सपेक्ट डिमांड फॉर आयरन ओर टू रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग इन द नियर टर्म। तो चाइना के मार्केट जैसे ही रीओपन होगा चाइना कोशिश करेगा उसके जो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स है उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। उसका एक बहुत बड़ा फायदा NMDC के प्रोडक्ट्स को होगा जो कि आयरन ओर का है। इन एडिशन वी एक्सपेक्ट विद विंटर इन चाइना फोकस शेल अगेन बी ऑन इम्पोर्टिंग मोर पैलेट्स फ्रॉम इंडिया। तो चाइना अभी जैसे कि विंटर सीजन में अगर देखेंगे तो पैलेट का जो डिमांड है और बढ़ जाएगा और इम्पोर्ट करेगा वो इंडिया से, जहाँ पे अगर देखेंगे तो उसमें भी जो है NMDC का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। शुड ड्राइव डिमांड फॉर आयरन ओर इन इंडिया द गवर्नमेंट वेविंग ऑफ पैलेट एक्सपोर्ट ड्यूटी
इज एन एडेड एडवांटेज। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने एक अच्छा चीज़ किया क्या है, जो पैलेट यहाँ से खरीदेगा, एक्सपोर्टिंग जो रहेगा उसमें, और जो इसका जो ड्यूटी चार्जेस रहता है उसमें और कम कर देगा, मतलब एनएमडीसी को जो है इसमें और फायदा देखने को मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्ट्स एनएमडीसी टू कंटिन्यू विद वॉल्यूम सीएजीआर ऑफ 11.5% फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2025 ऑन द बैक ऑफ हायर वॉल्यूम्स इन बोथ छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका। इन एक्सपेक्ट्स एनएमडीसी टू क्लॉक ए रिकॉर्ड 51 मिलियन टन इन फाइनेंशियल ईयर 2025। इट इज बिल्डिंग ए डिविडेंड पर शेयर ऑफ ₹12 for financial year 24 and ₹10 for financial year 25, implying a payout of 59-61% and an attractive dividend yield of 9.5%, 7.9% for financial year 24-25. तो एनएमडीसी को लेके मोतीलाल ओसवाल का जो कहना है, चाइना में रीओपनिंग होगा उसका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो है कंप्लीट करने के लिए चाइना जल्द से जल्द कोशिश करेगा, फ़ायदा होगा एनएमडीसी को, एनएमडीसी का डिमांड बढ़ेगा, एनएमडीसी से आयरन ओर प्रोडक्ट खरीद सकता है। अभी उसके बाद देखेंगे तो जो है चाइना में जैसे विंटर सीजन होगा उसमें जो है पैलेट्स खरीदेगा चाइना, जिसका जो खरीदेगा इंडिया से, जिसका एक फ़ायदा हो सकता है एनएमडीसी को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा काम यहाँ पे ये किया है कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है एक्सपोर्ट के ऊपर पैलेट का, वो भी कम कर दिया है। अभी इसका डिविडेंड का देखते हैं, तो मोतीलाल ओसवाल को लगता है फाइनेंशियल ईयर 24 या फिर अगर देखेंगे 2024-25 के अंदर जो है कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको पोस्ट करेगा, आपको अकाउंट में दिया जाएगा कंपनी की ओर से। एनएमडीसी रिपोर्ट्स ए 6. समझ रहे हो माफ कीजिए 62% फॉल इन इट्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट टू ₹885.65 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो सितंबर क्वार्टर में एनएमडीसी का जो ये था कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था उसमें 62% का गिरावट बनता हुआ देखा था, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ लोअर इनकम की वजह से। इट हैड रिपोर्टेड ₹2,339.58 करोड़ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द जुलाई सेप्टेम्बर पीरियड ऑफ द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल। टोटल इनकम फेल टू ₹3,754.77 करोड़। तो यहाँ पे सितंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट है एनएमडीसी का वो कुछ खास देखने को नहीं मिला था। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एनएमडीसी को लेके और भी जो अगर डिटेल्स में अगर हम लोग देखेंगे एनएमडीसी को लेके, तो आप देख सकते हैं कि चाइना अनलॉक आर बिगेनिंग टू अट्रैक्ट स्पेक्टुलर्स, वन ऑफ द की रीजन एंड एरियाज फॉर द सेम कुड बी चाइनास रियल एस्टेट व्हिच कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट थर्ड ऑफ इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सबका मानना है, मतलब जो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे अपडेट वगैरह है, चाइना का जैसे ही अनलॉकिंग शुरू होगा, चाइना में जैसे ही अनलॉकिंग शुरू हो गया फिर रीओपनिंग शुरू हो जाएगा, जैसे कि रीओपनिंग ऐसे शुरू हो रहा है शायद से, तो उसके बाद जो एक डिमांड बढ़ेगा उसका प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करने के लिए, और जो प्रोडक्ट चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए आयरन ओर का, वो मिलेगा इंडिया से, इंडिया से जो है ये लोग इम्पोर्ट करेगा, जिसका एक बहुत बड़ा फायदा एनएमडीसी को होगा। तो अभी अगर आप एनएमडीसी खरीदते हैं तो इसमें आपको जो है रिटर्न देखने को मिल सकता है, आपको एक डिविडेंड अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। पीएसयू में अगर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया एक शेयर है एनएमडीसी दोस्तों। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है हम लोग कह रहे हैं आपको जो एनएमडीसी का शेयर खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, रिक्वेस्ट करते जब भी कोई शेयर खरीदते या बेचते खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। दोस्तों आशा करते जो भी इंफॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।